हेलो एवरीवन, लेक्चर फोर्टीन में हम डिस्कस करेंगे ट्रांसमिशन लाइन थ्योरी का, है ना। तो ट्रांसमिशन लाइन क्या होता है बेसिकली, कि ट्रांसमिशन लाइन कन्वे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी टू ए रेडिएटर। ओके, ये हम बात कर रहे हैं हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसमिशन लाइन की। ओके, लो फ्रीक्वेंसी ट्रांसमिशन लाइन जो अपने घरों में होता है ना, इलेक्ट्रिसिटी केबल्स होती है उसमें अपना लो फ्रीक्वेंसी पर अपन यूज़ करते हैं, यानी कि अपना हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे। घरों में जो पावर आती है वो आती है अपनी 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे, है ना। तो वो क्या करती है कि आपकी जो पावर होती है ना, सोर्स से डेस्टिनेशन तक पावर को कंटेन करता है इन टर्म ऑफ द वोल्टेज एंड करंट, ठीक है। और अपना इसमें रहेगा जैसे हाई फ्रिक्वेंसी पे है ना, हाई फ्रिक्वेंसी पे जो ट्रांसमिशन पावर होती है वो हम ट्रांसमिट करते हैं इन टर्म ऑफ द वोल्ट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड में, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इसमें क्या होता है कि जैसे अपना सोर्स होता है ना, सोर्स होता है यानी कि कोई सोर्स होता है जो आपका हाई फ्रिक्वेंसी पावर को जनरेट कर रहा है। और दूसरा पार्ट है आपका रेडिएटर। रेडिएटर में भी हो सकता है आपका कोई रेडिएटिव एलिमेंट हो सकता है ना, या ये आपका कोई जैसे कोई एंटेना हो गया है ना, या कोई माइक्रो फ्रिक्वेंसी का कोई कंपोनेंट हो वो भी हो सकता है आपका। तो ट्रांसमिशन लाइन क्या करता है, इसका एक मीडियम है बिटवीन सोर्स एंड डेस्टिन लोड्स, है ना। सोर्स एंड लोड के बीच में जो भी आपका जो होगा कंपोनेंट वो होगा आपका ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है। जनरली जो ट्रांसमिशन लाइन होती है टू वायर होती है ना, वन होता है आपका पॉजिटिव और सेकंड होता है आपका नेगेटिव, है ना। लेकिन कुछ इस लाइंस को बोलते हैं बैलेंस लाइंस, यानी कि आपका जो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वायर होते हैं वो उस लाइन को बोलते हैं आपका बैलेंस ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है। जैसे ये एक एग्जाम्पल दे रखा है बैलेंस ट्रांसमिशन लाइन का, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ठीक है। इसमें आपका इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न शो किया हुआ है ना। यानी कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है जो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इसका डायरेक्शन देता है ना। और जो मैग्नेटिक फील्ड होगा आपका, जैसे यहाँ ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है पॉजिटिव पे, है ना। तो ये इसकी जो डायरेक्शन होती है ये क्लोज रूप में होगा, मैग्नेटिक फील्ड हमेशा क्लोज रूप में होता है ना, और इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा ओपन लूप में होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड होगा ये आपका क्लोज रूप में होगा, और ये इसकी डायरेक्शन देखो, इसमें अगर ये लाइन है आपका इनसाइड की डायरेक्शन में हो रही है, यानी कि आप इस स्लाइड के हिसाब से देख सकते हो कि ये अंदर की तरफ अगर लाइन प्रोपोर्ट कर रहा है ना, केबल की डायरेक्शन आपकी जे डायरेक्शन इनसाइड है, तो इसमें आपका जो डायरेक्शन होगा इस लाइन का वो मैग्नेटिक फील्ड का जो पैटर्न होगा वो आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा, और सेम नेगेटिव के लिए होगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो ये जो एक प्रॉपर्टी है वो बैलेंस ट्रांसमिशन लाइन की होती है। लेकिन सेकंड लाइन ऐसी भी होती है जो अनबैलेंस होती है ना। खाली एक पॉजिटिव लाइन होगा, एक केबल होगा, लाइन होगा, और दूसरा आपका जो रिटर्न पाथ होगा वो आपका होगा ग्राउंड या अर्थ, ठीक है, अर्थिंग बोलते हैं जैसे हम, ठीक है। तो उस लाइन को बोलते हैं अनबैलेंस, यानी कि आपका एक ये वाला पार्ट पूरा कंप्लीट है, लेकिन ये वाला जो पार्ट होगा वो पूरा आपका ग्राउंड वेट होगा। तो उस लाइन को क्या बोलते हैं, अनबैलेंस ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है। लो फ्रीक्वेंसी में जो पावर ट्रांसमिट होती है इन टर्म ऑफ द आपका वोल्टेज एंड करंट, है ना, आपकी जो भी घरों में जो केबल्स होती है उसमें जो पावर ट्रांसमिट होता है पी इज इक्वल टू वी आई, वोल्टेज मल्टीप्लाई करंट। लेकिन इन केस ऑफ द हाई फ्रीक्वेंसी पे जो पावर ट्रांसमिट होता है इन टर्म ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, है ना, ई एन एच, यानी कि पी जो अपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था पॉइंटिंग थ्योरम। पॉइंटिंग थ्योरम में क्या होता है, पावर ट्रांसमिट इन टर्म ऑफ द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। लेकिन कुछ जैसे ये टर्म होता है वो इलेक्ट्रिक पावर ट्रांसमिट इन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड इज पॉसिबल ओनली द वेवगाइड्स। वेवगाइड्स होती है उसमें जो पावर ट्रांसमिट होती है, वेवगाइड भी एक तरह का आपका क्या है, ट्रांसमिशन लाइन है ना। तो इसमें भी आपका जो पावर ट्रांसमिट होगा वो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड के टर्म में।
लेकिन कुछ केबल ऐसी होती है जो कोएक्सल केबल्स है ना, जो से अपने टेलीविजन में यूज़ करते हैं कोएक्सल केबल्स, इसमें जो पावर ट्रांसमिट होती है वो भी हाई फ्रिक्वेंसी पावर होगी, वो भी इन टर्म ऑफ द वोल्टेज एंड करंट में ही होगा आपका, ठीक है ठीक है। एज ए ट्रांसमिशन लाइन इज ए मेड अप टू कंडक्टर सेपरेटेड बाय डायलेक्ट्रिक, इट हैज सीरीज रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस एंड पैरेलल एडमिटेंस एंड कैपेसिटेंस। जो ट्रांसमिशन होगा टू वायर ट्रांसमिशन होगा, दोनों सेपरेटेड होगा आपका डायलेक्ट्रिक मटेरियल से, और इसके अंदर कुछ डिस्ट्रीब्यूटेड कंपोनेंट वो एग्जिस्ट करेंगे, वो होगा आपका इंडक्टेंस एडमिटेंस कैपेसिटेंस एंड रेजिस्टेंस। ये आपको दिखेंगे नहीं, ये इमेजनरी होंगे, यानी कि मैथमेटिकली अपन इसका सर्किट बनाएंगे तो आपको ये चीज़ें आपको शो करना पड़ेगा, इन ट्रांसमिशन लाइन इन टर्म ऑफ द इंडक्टेंस पैरेलल एडमिटेंस कैपेसिटेंस एंड रेजिस्टेंस, ठीक है। और ये जो कंपोनेंट है इनकी यूनिट होगी, जैसे आर है आपका रेजिस्टेंस, यानी कि पर ओम्स पर मीटर, इंडक्टेंस है हेनरी बाय मीटर एंड कैपेसिटेंस है फेरेड बाय मीटर, एंड जो एडमिटेंस है वो इन टर्म ऑफ द साइमन पर मीटर होगा, ठीक है। ये आपका बेसिक ब्लॉक डायग्राम है इसका, ट्रांसमिशन लाइन का, सोर्स जनरेटर का और लोड का, ठीक है। इसमें आप देख सकते हो कि ये वाला जो पोर्शन है वो आपका जनरेटर पोर्शन है, जनरेटर की जो वोल्टेज है वी जी, जनरेटर का जो रेजिस्टेंस होगा जनरेटर इंपेडेंस रेजिस्टेंस, और ये कनेक्शन बिटवीन द ट्रांसमिशन लाइन एंड सोर्स, ठीक है। और ये जो पार्ट है आपका ट्रांसमिशन लाइन है, एस क्या इसके डिस्टेंस बिटवीन टू ट्रांसमिशन लाइन, एल क्या टोटल लेंथ ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन, और ये आपका है लोड टू ट्रांसमिशन लाइन पॉइंट्स बी बी, है ना। लोड का रेजिस्टेंस होगा आर एल, ठीक है। ये टर्म ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, आर जी इक्वल टू इनपुट इम्पिडेंस, वी जी साइनोसोडल इनपुट वोल्टेज, डी क्या है एक डायमीटर ऑफ इच कंडक्टर, जो भी कंडक्टर होगा आपका उस कंडक्टर का कुछ डायमीटर होगा वो होगा डी, एस क्या है स्पेसिंग बिटवीन द लाइन्स, एल का टोटल लाइन्स, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल भी है, जैसे सेम जैसे इंफॉर्मेशन बिटवीन टू पॉइंट्स इंक्लूडिंग नर्व फाइबर्स इन ह्यूमन बॉडी, ये भी एक ट्रांसमिशन लाइन का एग्जाम्पल है जो हमारे बॉडी में ब्लड का सर्कुलेट करता है ना। अकोस्टिक वेव्स इन फ्लूड्स एंड मैकेनिकल प्रेशर वेव इन सॉलिड्स, ठीक है। ये भी एक तरह का ट्रांसमिशन लाइन का एग्जाम्पल है। ट्रांसमिशन लाइन आर यूज फॉर गाइडिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स, सच ट्रांसमिशन लाइन्स इंक्लूडिंग टेलीफोन लाइन्स कोएक्सल केबल्स कैरिंग ऑडियो एंड वीडियो इंफॉर्मेशन टू टीवी सेट और या डिजिटल डेटा टू कंप्यूटर मॉनिटर्स एंड ऑप्टिकल फाइबर कैरिंग लाइट वेव्स फॉर ट्रांसमिशन ऑफ डेटा एट वेरी हाई रेट्स। सबसे ज़्यादा जो डेटा हाई रेट होता है वो आपका होता है ऑप्टिकल फाइबर में, जो भी ऑप्टिकल केबल होती है वो भी एक तरह का आपका ट्रांसमिशन लाइन है, और उसमें जो डेटा रेट होती है सबसे हाई होती है अभी तक का, है ना। अपना जो भी अपना जो 5G वगैरह जो चल रहा है, 3G चलता है, 4G चलता है ना, जो भी लैंडलाइन के थ्रू आता है वो होता है आपका फाइबर केबल के थ्रू, है ना। ये है आपका बेसिक सर्किट्स, सेंडिंग एंड रिसीविंग एंड एंड मिडल जो पार्ट है आपका ट्रांसमिशन लाइन का, है ना। ये सोर्स वोल्टेज VS है ना, और ये IS है ट्रांसमिशन लाइन का करंट है, और ये IR है लोड करंट, है ना। इक्विवेलेंट सर्किट फॉर ट्रांसमिशन लाइन, ये आपका बेसिक ट्रांसमिशन लाइन है, टू वायर, वायर वन वायर टू, वायर वन फॉर पॉजिटिव नेगेटिव फॉर वायर टू, है ना, पैरेलल रिप्रेजेंटेशन। और ये डिस्टेंस इस लाइन को अलग अलग पोर्शन में डिवाइड किया हुआ है डेल जेड, छोटे से पार्ट को, है ना। डेल जेड क्या है, छोटा सा एक मिनिमम पार्ट को बता रहा है, शो कर रहा है ना। तो इस पूरी लाइन को इस तरह से आपको डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, और इसका एक एक पार्ट डेल जेड जो पार्ट होता है उसको हम मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस टर्म में, है ना, इक्विवेलेंट सर्किट के फॉर्म में, है ना। जो छोटा सा जो पार्ट है डेल जेड वो ट्रांसमिशन लाइन रिप्रेजेंट करता है आर एल जी एंड सी, यानी कि आपका ये रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस सीरीज में रहेगा,
और पैरेलल में रहेगा आपका एडमिटेंस एंड कैपेसिटेंस। ये पार्ट हमेशा आपको दिखता नहीं, आपको जो ट्रांसमिशन लाइन दिखेगी इस तरह की दिखेगी टू वायर में, फिजिकली आप चेक करोगे तो आपको इस तरह का दिखेगा। लेकिन ये जो कंपोनेंट है ये डिस्ट्रीब्यूटेड कंपोनेंट है, नॉट लोड लम कंपोनेंट, यानी कि आपका ये लगाए हुए नहीं, ये ऑटोमेटिकली डेवलप होते हैं इसके अंदर, डिपेंड करता है आपकी फ्रीक्वेंसी क्या है। लो फ्रीक्वेंसी होगा तो आपको ये कोई कंपोनेंट नहीं होंगे, ओनली रेजिस्टेंस और इंडक्टर में भी हो सकता है ना, ये कंपोनेंट नहीं हो सकता है कोई भी, है ना। लेकिन हाई फ्रीक्वेंसी पे ये ऑटोमेटिकली ये कंपोनेंट डेवलप हो जाते हैं, ठीक है। तो उसका हाई फ्रीक्वेंसी पे हम सर्किट बनाएंगे तो आपका ये इस तरह का शो करेगा। ईच कंडक्टर ऑफ द लाइन हैज सर्टेन लेंथ एंड डायमीटर, इट मस्ट हैव रेजिस्टेंस आर, इंडक्टेंस एल। द लीकेज ऑफ द करंट थ्रू द डायलेक्ट्रिक इज रिप्रेजेंटेड बाय द शंट कंडक्टेंस जी। जो रेजिस्टेंस होगा, लीकेज रेजिस्टेंस, लीकेज करंट होगा, वो फर्स्ट वायर से सेकंड वायर में जाएगा तो थ्रू द डायलेक्ट्रिक मेटल के थ्रू जाएगा, और जो करंट होगी वो लीकेज करंट होगी, है ना। और लीकेज करंट किसके थ्रू जाएगी, शंट कंडक्टेंस जी। जी क्या है आपका, शंट कंडक्टेंस है। सो आर एल जी एंड सी शुड नॉट बी अज्यूम टू बी ए लम्ब एट एनी वन पॉइंट एज दे आर यूनिफॉर्मली एंड कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग द इंटायर लेंथ ऑफ द लाइन, ठीक है। आर एल जी आपका लम्ब एलिमेंट नहीं है, मैंने पहले डिस्कस कर चुका हूँ इसके बारे में कि ये आपका है डिस्ट्रीब्यूटेड कंपोनेंट है, ये कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं आपके लाइन के थ्रू, है ना। आर क्या, रेजिस्टेंस सीरीज ऑफ द कंडक्टर पर यूनिट लेंथ, ओम पर मीटर, कैपेसिटेंट फेरेड पर मीटर, इंडक्टेंस हेनरी पर मीटर, एंड ये शंट कंडक्टेंस है आपका साइमंस या मो पर मीटर्स। एट रेडियो फ्रीक्वेंसी द इंडक्टिंग रेजिस्टेंस इज मच लार्जर देन द रेजिस्टर्स, रेजिस्टेंस आर, एंड कैपेसिटेंस ससेप्टेंस इज कंपेरिजन टू द शंट कंडक्टेंस। हेंस एट रेडियो फ्रीक्वेंसी आर एंड जी बोथ आर नेग्लेक्टेड, रेडियो फ्रीक्वेंसी पे ये दोनों की वैल्यू हमेशा हम इग्नोर करते हैं, ओनली जो कंपोनेंट होगा आपका एल एंड सी। और सिमिलरली फॉर लॉस लाइन के लिए भी हम आर एच जी की वैल्यू हमेशा जीरो होती है, ठीक है। प्राइमरी कॉन्स्टेंट्स ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, ट्रांसमिशन लाइन का जो प्राइमरी कॉन्स्टेंट क्या है, एक तो आपका इंडक्टेंस है, दूसरा रेजिस्टेंस है, कैपेसिटेंस है एंड कंडक्टेंस है। द सीरीज इम्पीडेंस जेड एंड शंट एडमिटेंस वाई ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन कैन बी रिटन इज जेड इक्वल टू आर प्लस जे ओमेगा एल एंड वाई इक्वल टू जे प्लस जे ओमेगा सी। ये क्या आपका सीरीज इम्पीडेंस, और वाई क्या आप शंट एडमिटेंस, सीरीज इम्पीडेंस इन टर्म ऑफ द रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस, एंड शंट एडमिटेंस इन टर्म ऑफ द कंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस, ठीक है। बेसिक फीचर ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन, ट्रांसमिशन लाइन कैन बी फिजिकली ओवरहेड लाइन्स और या अंडरग्राउंड केबल्स। द रिक्वायरमेंट्स आर, बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन्स आर मिनिमम अटेंशन ऑफ द सिग्नल, है ना। फर्स्ट क्या रिक्वायरमेंट है आपका, अटेंशन सिग्नल मिनिमम अटेंड हो, है ना, यानी कि आपका लॉन्ग डिस्टेंस पर ट्रांसमिट लाइन सिग्नल ट्रांसमिट करो तो वो मिनिमम से मिनिमम अटेंशन हो, अदरवाइज आपका डेस्टिनेशन तक जाते जाते सिग्नल पूरा अटेंड हो जाएगा और आपको डेस्टिनेशन पे आपको जीरो पावर मिलेगा, है ना। सो द अटेंशन शुड बी मिनिमम, ठीक है। सेकंड टर्म क्या, कॉन्स्टेंट अटेंशन इन द वर्किंग रेंज ऑफ फ्रिक्वेंसी। सेकंड थिंग भी ये भी होता है कि अगर जो आपका अटेंशन है वो थ्रू आउट लाइन कॉन्स्टेंट होना चाहिए, है ना। एक पर्टिकुलर वैल्यू होगी, यानी कि आपका इतना डीबी पर लेंथ अटेंड करता है वो थ्रू आउट ऐसा ही होना चाहिए, अदरवाइज क्या होगा कि फ्रिक्वेंसी वेरी होता है तो उसका अटेंशन कॉन्स्टेंट की वैल्यू भी वेरी होती है, तो अपन को एनालिसिस करना डिफिकल्ट हो जाएगा कि अपन को कहाँ पे आपको रिपीटर लगाना। रिपीटर क्या होता है, एक तरह का एम्पलीफायर होता है, यानी कि आपका एक किलोमीटर पे एक किलोमीटर तक आपको, यानी कि आपका सोर्स है, सोर्स सेंड कर रहा है आपको 100 वॉट पावर, और आपको एक किलोमीटर पे मिल रहा है आपको पावर मिल रहा है 10 वॉट पावर, ठीक है, या आपको 10 वॉट या 1 वॉट पावर मिल रहा है,
तो आपको वहाँ पे आपको एक रिपीटर लगाना पड़ेगा जिससे कि आपको पावर को वापस इनहेंस करेगा। तो वो क्या होगा आपका, आपको पता है, आपको एनालिसिस कर सकते हो कि इतना किलोमीटर पे आपको रिपीटर लगाना, अदरवाइज अटेंशन कॉन्स्टेंट वेरी होता रहेगा तो आपको एनालिसिस करना डिफिकल्ट हो जाएगा कि कहाँ पे आपको रिपीटर लगाना है ना। तो अटेंशन कॉन्स्टेंट शुड बी कॉन्स्टेंट। टाइम डिले डिस्टॉर्शन इज इलिमिनेटेड। टाइम डिले इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अदरवाइज आपका डिस्टॉर्शन हो जाएगा, सिग्नल क्या होगा ओवरलैप होना स्टार्ट हो जाएगा। कोई सिग्नल भेजा मैंने यहाँ से और आउटपुट में, तो उसका टाइम डिले फिक्स होना चाहिए। कभी कभी केबल की प्रॉपर्टी की वजह से टाइम डिले में डिस्टॉर्शन आ जाता है ना। कुछ टाइम फर्स्ट सिग्नल गया वो, और सेकंड सिग्नल में कुछ हमेशा उसमें वेरिएशन होता रहता है। तो टाइम डिले भी इसका मिनिमम होना चाहिए या इलिमिनेट बिल्कुल मिनिमम होना चाहिए या बिल्कुल जीरो होना चाहिए। वेलोसिटी ऑफ द प्रोपगेशन फॉर डिफरेंट कंपोनेंट फ्रीक्वेंसी इज कॉन्स्टेंट। अलग अलग फ्रीक्वेंसी, यानी कि आपका कोई केबल है उसमें मल्टीपल फ्रीक्वेंसी, यानी कि सिंगल फ्रीक्वेंसी प्रोपोगेट नहीं करती, मल्टीपल फ्रीक्वेंसी प्रोपोगेट करती है ना। तो उनकी वेलोसिटी भी थ्रू आउट कॉन्स्टेंट होनी चाहिए, है ना। अदरवाइज आपका हाई फ्रीक्वेंसी वाला सिग्नल बाद में पहुँच रहा है और लो फ्रीक्वेंसी वाला सिग्नल आपको पहले पहुँच रहा है, तो वो प्रॉपर्टी होती है, वो बाई मिस्टेक ट्रांसमिशन लाइन की प्रॉपर्टी की वजह से ऐसा हो सकता है। तो ट्रांसमिशन लाइन शुड बी वेलोसिटी शुड बी कॉन्स्टेंट फॉर ऑल कंपोनेंट्स, ठीक है। ये एक बेसिक मॉडल से वोल्टेज एंड करंट अलोंग द लाइन्स। आपको वोल्टेज एंड करंट को लाइन में आपको शो करना है ना, और आपको एक डेरिवेशन करना है कि इस लाइन का जो ट्रांसमिशन लाइन का जो है वोल्टेज करंट एंड इंपीडेंस की टर्म में आपको डेरिवेशन करना है। ये एक भाई शॉर्ट सेक्शन है पी क्यू होप ए बी ए डिस्टेंस डी एक्स, एक डी एक्स छोटा सा पार्ट लिया हो लाइन का, उसमें अपन को सेंडिंग एंड या आउटपुट एंड लोड एंड है ना, इसको यूज करते हुए अपन को एक ट्रांसमिशन लाइन का एक डेरिवेशन डेराइव करना है इन टर्म ऑफ वोल्टेज एंड करंट में, ठीक है। ये अपन नेक्स्ट लेक्चर में ये वाला अपन पूरा कवर करेंगे, है ना। एक डेरिवेशन करेंगे जो इस ट्रांसमिशन लाइन का जो पैरामीटर होगा इंपीडेंस एडमिटेंस एंड इनपुट वोल्टेज एंड करंट, ठीक है।